रोजाना ताजा खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। प्लेन की खिड़की टूटी, को पायलट बाहर लटका। पायलट बोला मैं संभाल लूंगा। 20 मिनट में लैंडिंग बीजिंग चीन में सिचुआन एयरलाइंस का विमान 3U8633 सोमवार को चोंगक्यूंग से ल्हासा के लिए उड़ान भरी थी। घंटे भर से ज्यादा हुआ होगा कि कॉकपिट से जोरदार आवाज आई। यहां की खिड़की टूटकर प्लेन से अलग हो गई थी। विमान 32,000 फीट की ऊंचाई पर था। तेजी से विमान में हवा आने लगी। कोपायलट की तो सीट बेल्ट ही उखड़ गई। वो आधा विमान से बाहर लटकने की स्थिति में आ गया। अफरा तफरी मच गई। तभी पायलट लियू शुआनजियान ने अनाउंस किया, घबराइए नहीं, स्थिति संभाल लेंगे। और इतना कहने के 20 मिनट के अंदर कैप्टन लियू ने 32,000 फीट की ऊंचाई से विमान सफल लैंडिंग करा दी। चीन में विमान चोंगक्यूंग से ल्हासा जा रहा था। फ्लाइट में सवार सभी यात्री सुरक्षित। विमान का इंटीरियर, हवा से खाना, पैसेंजर्स के बैग और अन्य सामान यूं बिखर गए। फ्लाइट के भीतर का तापमान -40 पहुंच गया था। 5 से 6 सेकंड में ही नीचे गिरने लगा। लियू ने ऐसा कैसे किया? जवाब में वो खुद बताते हैं, विंड शीट टूटते ही कुछ देर में विमान का तापमान -40 डिग्री तक पहुंच गया। 5 से 6 सेकंड में ही विमान नीचे की ओर भागने लगा। मैंने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को सूचना दी, उनके निर्देशों का पालन करते हुए सफल लैंडिंग कराई। मैं इस रूट पर 100 से ज्यादा बार उड़ान भर चुका हूँ, इसका भी फायदा मिला।